17वीं शताब्दी की शुरुआत में एक छोटे तटरक्षक दल से लेकर 21वीं सदी की बेहतरीन जल सेनाओं में शुमार होने तक भारतीय नौसेना ने एक लंबा सफर तय किया है। भारतीय जल सेना ने एक समृद्ध समुद्री विरासत का संरक्षण गौरव के साथ किया है। सालों से पदाधिकारियों से लेकर सैन्य श्रेणी तक सभी ने भारतीय नौसैनिक विरासत के सम्मान में गर्व से फहराते इसके ध्वज में बदलाव की संकल्पनाएं की हैं। इस भावना के साथ नौसेना के ध्वज में कई अवसरों पर बदलाव हुए और कई बार इसका रूपांतरण भी हुआ। इसी कड़ी में 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना औपनिवेशिक अतीत के अंतिम अवशेषों को ध्वज से हटाकर अपने नए ध्वज को अंगीकृत करेगी। नई पताका के ऊपरी बाएं चतुर्थांश में राष्ट्रीय ध्वज है, साथ ही है एक नीले रंग के अष्टकोणीय चिन्ह के अंदर एक लंगर के ऊपर स्थापित राष्ट्रीय चिन्ह और देवनागरी में नौसेना का आदर्श वाक्य शम नो वरुणः, जो एक ढाल की आकृति बनाता है। अष्टकोणीय आकृति 8 दिशाओं को प्रदर्शित करती है। यह भारतीय नौसेना की बहु दिशात्मक पहुंच और बहु आयामी परिचालन क्षमता का प्रतीक है। 2 सुनहरी रेखाओं से बनी ये अष्टकोणीय आकृति महान भारतीय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित है। उनके दूरदर्शी समुद्री दृष्टिकोण ने एक विश्वसनीय नौसैनिक बेड़े को आकार दिया था। इस बेड़े में 60 युद्धपोत और लगभग 5000 नौसैनिक शामिल थे। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। आज भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में पहुंच गया है। ऐसे में नौसेना की नई पताका हमारे सामुद्रिक रक्षक भारतीय नौसेना के मन को उन्मुक्त कर उनकी अदम्य भावना को और भी अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है।